आज हमारी मीडिया जो मुंबई क्राइम पेज, उस न्यूज को कवरेज करने के लिए आप सबके सामने उपलब्ध हुए हैं। मैं जनता को ये बताना चाहता हूं कि जो रिकवरी होता है, जहां आप लोन से टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो गाड़ी आप लोन से लेते हैं और लोन नहीं भरने के बाद आपको जो रिकवरी वाले आपके घर पे पहुंच जाते हैं, वो रिकवरी वाले कोई प्रोफेशनल होते हैं या नहीं होते हैं, इसको आप कैसे पकड़ सकते हैं, उसके बारे में आज मैं ये कवरेज कर रहा हूँ। और उसके बारे में मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी अगर ऐसे कोई घटना होती है तो उस घटना में आप कैसे उसकी सामना करना है, बस उसकी एक जानकारी मैं लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं मैं। जब रिकवरी वाले आपके घर पे आते हैं तो सबसे पहली बात तो वो जिस बैंक से रिकवरी वाले आते हैं उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड बताना होता है, और साथ में उसी समय उसी उनके ही मोबाइल से वो अपने हेड ऑफिस को कॉल करके वहाँ के जो भी इंचार्ज है उनको ये पूछने लगाना है कि भाई आपने मुझे यहाँ भेजा है और ये गाड़ी को मैं रिकवरी करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और वो जो बैंक का हेड ऑफिस है वो वहाँ से जो भी लोन से गाड़ी लिया है उस धारक को बोलता है कि हाँ सर ये बंदा हमारा है। उसके बाद वो गाड़ी को लेके जाने से पहले एक फॉर्म के अंदर सिग्नेचर करना पड़ता है कि आपकी गाड़ी हम लेके जा रहे हैं। लेकिन आज मैंने ये जो कवरेज किया है आप लोगों के सामने, वो कवरेज में एक बैंक है जिनका नाम हमारे जो शिकायतकर्ता वो खुद ही बताएंगे। इस बैंक वाले ने अपने रिकवरी वाले को ट्रेनिंग दिया है जरूर कि नहीं दिया, इसका खुलासा हम पुलिस स्टेशन में आने वाले दिन को करेंगे। वो रिकवरी आता है यहाँ और सामने जो बंदे हैं हमारे, उनका नाम है विश्वनाथ भोट, वो अपने गाड़ी को टू व्हीलर को अपने घर के सामने पार्किंग करते हैं, और पार्किंग करते समय उनके बिजनेस से रिलेटेड, उनके एनजीओ से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स वो गाड़ी के ऊपर वो रख के भूल के अपने घर पे आ जाते हैं कुछ ज़रूरी काम के लिए। लेकिन यही रिकवरी वाला बिना बोले वो गाड़ी को वहाँ से ले जाता है, ले तो जाता है लेकिन साथ में वो डॉक्यूमेंट भी लेके जाता है। लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई है कि वो रिकवरी वाला बोलता है कि गाड़ी तो हम लेके गए लेकिन साथ में हमारे पास कोई भी वो डॉक्यूमेंट्स वाली थैली नहीं थी। तो दर्शकों, मैं आपको पहले इनकी क्या समस्या ये लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ, उसके बाद हम हमारी मीडिया इस पर हमारी क्या राय है और लोगों को क्या सतर्क करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये बताइए आप, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम विश्वनाथ बलवंत भुवर। विश्वनाथ, बताइए क्या हुआ था उस दिन आपके साथ में? ये वाक्य आपने हमारे मीडिया को बताया कि 11 तारीख का था। 11 तारीख को इन्होंने मुझे दोपहर को 12 बजे फोन किया। फोन करने किसने के बाद फोन किया आपको? रिकवरी वाला बंदा था, पर उसने बताया मुझे कि मैं कुरियर से बात कर रहा हूँ और आपका कुरियर आया है गवर्नमेंट सेक्टर से, तो वो कुरियर देने के लिए हम कहाँ पे मिलूँ, हम आपसे कहाँ मिले? तो हमने बताया कि भाई मैं अभी बाहर हूँ, मैं आने के बाद आपको कॉल करूँगा। जब मैं मुंबई में या मुलुंड में आया, आने के बाद उनको मैंने कॉल किया, 7-8 बार कॉल किया, 10-12 बार कंटिन्यू कॉल कर रहा था, तो उन्होंने मेरा कॉल उठाया नहीं। एक बार कॉल उठाया और बताया, उन्होंने बोला कि हम अभी बाहर है, हम कल आएंगे, आप घर पे जाइए। हम जब घर पे आने के बाद, मेरे को दूसरी जगह काम के लिए जाना था, मैं गाड़ी सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं बाहर लगाया और कुछ पेपर्स लेने के लिए मैं ऊपर आया और कुछ पेपर्स मेरे गाड़ी पे लगे हुए, वो थैली में लगे हुए थे, थैली के अंदर, ऐसा आपका कहना है? हाँ, जी, कपड़े की थैली थी। अच्छा, वो थैली में मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें कुछ जेरॉक्स थे, कुछ ओरिजिनल पेपर्स थे। ठीक है। और मैं 5-10 मिनट के लिए ऊपर आया, आने के बाद कुछ पेपर्स निकालते समय मेरी गाड़ी नीचे से गायब हो गई, और उसके बाद फिर मैं यहाँ वहाँ ढूंढना चालू किया कि मेरा किसने मेरा मजाक तो नहीं किया। उसके बाद एक मैं मेरे पिताजी से बात किया तो पिताजी बोले कि तेरा कोई दोस्त था या कोई था, तेरा गाड़ी कोई ना कोई लेके जाते रहता है, तो कोई लेके गया रहेगा।
फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने पूछताछ चालू की और जो बंदे को मैंने फ़ोन लगाया, जो बंदे का कंटिन्यू मुझे कॉल आया था, मुझे शक हो गया कि ये रिकवरी वाले ही रहेंगे, तो मैं उनको कॉल किया तो उन्होंने कॉल उठाया नहीं। अच्छा, आपको उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आपकी गाड़ी लेके गए? नहीं। और क्या उन्होंने आपको कोई कागज़ पे सिग्नेचर भी नहीं कराया? कुछ कागज़ पे सिग्नेचर नहीं कराया, कुछ मेरे घर पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया। अच्छा, ये बताइए फिर आपको कैसे पता चला कि गाड़ी रिकवरी के वहाँ ले चले लेके गए वो लोग? क्योंकि कंटिन्यूस में जब उनको कॉल कर रहा था वही कॉल पे, तो मुझे शक हो गया कि ये गाड़ी मेरा रिकवरी वाले लेके गए, इसलिए मैंने ऑनलाइन पुलिस चौकी में कंप्लेंट की। तो जनता देखा आपने, आपने वो बैंक वाले के बारे में डिटेल नहीं बताया, कौन सी बैंक से आपने लोन लिया था? मनवा फाइनेंस। ये कहाँ से है, कहाँ है इसका ऑफिस है? ये मुलुंड में इनका ऑफिस है, निर्मल लाइफ स्टाइल के बाजू में। मनपा, मनवा फाइनेंस, मनपा फाइनेंस। तो दर्शकों, देखा आपने ये मनपा फाइनेंस वाले किस तरह गुंडागर्दी के तरीके से और इलीगल तरीके से ये अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। कल जब हमारी टीम भोर साहब के जो कंप्लेंट किए थे उन्होंने जॉइंट कमिश्नर को, उससे रिलेटेड उन्होंने हमें भी हमारे पास उसकी कॉपी दी थी, तो हम मैं और हमारी टीम जब हम पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो ड्यूटी ऑफिसर ने वो सारी बातें पूछी जो उस घटना से रिलेटेड थी। जब पुलिस ऑफिसर ने वो रिकवरी वाले को फ़ोन किया तो रिकवरी वाले ने बोला कि हाँ साहब, मैंने ये विश्वनाथ भोयर का गाड़ी लेके गया हूँ रिकवरी में। मुद्दा ये था कि अगर आपने गाड़ी रिकवरी में लेके गया तो क्या आपने उनको इंटीमेट करना क्यों नहीं आपने समझा? ऐसे क्या बात थी कि आपने उनको इंटीमेट क्यों नहीं किया? आज उस समय अगर वो इंटीमेट किया होता तो आज विश्वनाथ के साथ में जो डॉक्यूमेंट को लेके जो आज वो परेशान है, आज उनकी जो नौकरी है वो खतरे में है, क्योंकि सामने वाले कंपनी ने उनको कहा कि वो डॉक्यूमेंट आपने घुमाया, तो वो सारे डॉक्यूमेंट का जो खर्चा है वो आपको अपने ही जेब से करना है। तो ये जो नुकसान भरपाई हुई है ये रिकवरी वाले की लापरवाही की वजह से। अगर उन्होंने रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर रिकवरी करते तो शायद आज ये दिन विश्वनाथ को देखने नहीं मिलता। हमारी टीम इस पे लगातार कवरेज इसलिए करेगी कि हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कंप्लेंट में हमने जाके चेक किया मनपा फाइनेंस के बारे में कि उन्होंने किस तरह से लोगों से रिकवरी की हरकतें की है। बहुत सारे लोगों की शिकायत भी है कि ये लोग इसी तरह गुंडागर्दी की तरह पे चोर की तरह से, जैसे एक चोर होता है जो जैसे बाइक को चोरी कर लेते हैं, इस तरह की चोरी करते हैं, अपने आप को कुरियर वाला बताकर सामने वाले पार्टी को वहाँ लोकेशन पर बुलाना, ये तो अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। हम पूरे विश्वनाथ के साथ में हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको भी ये इंसाफ मिले, ताकि आने वाले दिन को ऐसे विश्वनाथ के साथ जो घटना घटी है वो घटना और किसी के साथ ना हो, ये हमारी मीडिया का हमेशा का मकसद रहा है। इंसाफ कितने दिन में मिलेगा और भांडुप के सीनियर इंस्पेक्टर इस मुद्दे पे क्या अपना प्रतिक्रिया देते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, वो अपडेट हम आपको बार बार हमारी मीडिया के माध्यम से करते रहेंगे। मैं कैमरामैन के साथ वीडियो जर्नलिस्ट वी आर चौहान, मुंबई।